अहले लाहौर ने बड़ी ईद पर बड़े दिल का मुजाहिरा किया। 10 लाख छतरे, 6 लाख बैल, 20,000 दुम्बे और ऊँटों की बड़ी तादाद ज़िबा की गई। एक अंदाजे के मुताबिक 16,20,000 जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए, जिनकी खालों की मालियत 1,32,55,00,000 रुपए बनी। माहिरीन के मुताबिक जैसे ही खालें चमड़ा मंडी पहुँचती हैं, इन्हें नमक लगाना जरूरी होता है। ताहम तादाद ज्यादा होने के बायस मुनासिब इंतजाम न किए जा सके और 45% खालें खराब हो गयी। पाकिस्तान टैनर्स एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा आगा सईदैन के मुताबिक खालों की खराबी से दरामदी सनत को बड़ा नुकसान पहुंचा। इसका नुकसान अल्टीमेटली किसान को भी हुआ, मुल्क को भी हुआ, एक्सपोर्ट को भी हुआ है। नुकसान की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। जहां बंदा एक फैमिली 35,000 रुपीज़ का बकरा खरीदती है, वहाँ अगर वो 4 किलो नमक भी ले ले और उसी वक्त उस पर लगा ले तो ये डैमेज बच सकता था। आगा सईदैन के मुताबिक एहतियाती तदाबीर ना अपनाई गई तो आने वाले बरसों में नुकसान बढ़ सकता है। इसमें गवर्नमेंट को, लाइव स्टॉक को, पाकिस्तान टैनर्स एसोसिएशन को, चमड़ा मंडी को इस किस्म की अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी कि ताकि फैमिलीज अवेयर हो जाएं कि हम लोगों ने जहां कुर्बानी की एक हम सुन्नत इब्राहिमी है वहां खाल हम देते हैं सवाब के लिए, उस सबक का क्या फायदा जो घर में ही खाल खराब हुई। माहिरीन ने मईशियत के फरोग के लिए इस जमन में बेहतर इंतजाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़।